सभी को नमस्कार। आज केएल कुछ खास मुलाकात में मेरे भारत देश के युवाओं के एक संदेश लेकर आए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता श्रीमान अनिल भिडारे। नमस्कार, जय हिंद, जय युवा। उठो वतन के नौजवानों, आज तुम्हें वतन बुलाता है। बांध लो सर पे कफन, अगर कुछ कर दिखाना है। आज ना वो जनरल डायर है, ना वो फांसी है, बस खुद ने उठना है और लोगों को जगाना है। आज मैं बात करूंगा मेरे देश के युवा। क्या है युवा? अगर युवा शब्द को हम जाने, युवा शब्द का अर्थ जाने, तो उसका अर्थ होता है, अगर उसको उल्टा करें तो वायु। और वायु अपने आप के अंदर एक जलजला है। वायु जब चलती है तूफान आती है, जलजला। उसी तरह जब भारत देश का युवा चलता है, जलजला आता है, तूफान आता है। हमारा जो इतिहास है, प्राचीनतम हमारा इतिहास भारत का युवाओं का इतिहास था। अगर हम आजादी से पहले की बात करें तो हमारे देश के अंदर बहुत से क्रांतिकारी जन्मे हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस देश की आजादी के लिए दी, जिनमें खुदीराम बोस, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, आजाद हिंद के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस, बहुत से नाम आते हैं। अगर उसके बाद की हम बात करें तो सबसे बड़े जो युवाओं के आइडियल प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं वो है स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने मात्र 39 साल की आयु में भारत के युवाओं के लिए ऐसा इतिहास लिख दिया जो पूरे विश्व के अंदर जाना माना। उन्होंने अपने उद्घोष के अंदर एक बात कही थी, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। तो भारत का बात करें, हम भारत की बात करें, भारत के युवा की बात करें, भारत का 70 करोड़ साथियों का भाग है जो युवाओं का भाग। हमारे पास, भारत के पास 140 करोड़ युवा हाथ है जो भारत की रक्षा के लिए, भारत के विधान विज्ञान के लिए, भारत के ज्ञान के लिए, भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत को हिम्मत देने के लिए तत्पर हमेशा तैयार रहते हैं। मैं युवाओं के लिए एक ही बात कहूंगा कि किस्मत वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करके बनना छोड़ेगा। जय हिंद, जय हिंद।